नमस्कार माउंटेन हनीबीज में आप सबका स्वागत है। मैं देवेंद्र ठाकुर, हिमाचल प्रदेश का रूट सर्टिफाइड बीकीपिंग ट्रेनर। तो गाइज, आज हम बात करेंगे जो हमारे पास पुराने छत्ते रहते हैं, जो ख़राब छत्ते रहते हैं, उनको तोड़ के उनको पानी में उबाल के हम किस तरह से प्योर वैक्स निकालते हैं। तो देखिए, जो पुराने छत्ते हमने उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े उनके बना दिए हैं, फिर हम एक ड्रम रखेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे और उस पानी को अच्छे से उबालेंगे। उस पानी को इतना डालना है कि ये जो हमारे टुकड़े हैं, ये जो हमारा वैक्स है, ये जो छत्ते हैं, ये पूरी तरह से उसमें डूब जाए। तो अब हम इस सारे जो भी जितने भी हमारे पास छत्ते के टुकड़े हैं उसको अंदर डाल देना है। और डालने के बाद ये देखिए, एक लंबा सा आप डंडा लीजिए, उससे आपको अच्छे से इसको यहाँ पे घोलना है, बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर बनाना है। बहुत अच्छा घोल बनाने के बाद देखिए, जब ये उबलेगा तो ये बिल्कुल गल जाता है अंदर को, सारा जो छाते हैं पानी के साथ घुल जाते हैं। तो आपको जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से ना घुले तब तक आप इसको उबालते रहिए। उसके बाद इसको इस तरह के एक जाली वाले कपड़े में डाल देना है, और जाली वाले कपड़े में डालने के बाद इसको आपने निचोड़ देना है, ताकि इस जो टुकड़े हैं, जो छत्ते हैं, इसका जो पानी है सारा बाहर निकल जाए। क्योंकि ये जो आपको ऑयल की तरह थोड़ा दिख रहा है नीचे को गिरता हुआ, यही हमारा वैक्स है। ये देखिए, उसके बाद पूरा भरने के बाद इस तरह से ऊपर की लेयर जमने लग जाती है, तो ये जो लेयर है येलो कलर की होती जाएगी। और उसके बाद जब ये पूरा बर्तन येलो कलर से भर जाए ऊपर, तो फिर आपने इस लेयर को अपने हाथों से निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त एक लेयर यहाँ पे बन जाती है। फिर हमने इस लेयर को किसी दूसरे बर्तन में रख देना है, और ये जो अभी नीचे वाला ये जो मटेरियल है, ये हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो छतों का ख़राब मटेरियल है, जो वेस्ट है, जिसका अभी कोई काम नहीं, इसको हम फेंक देंगे। और जो दूसरे वाला हमारा वैक्स है, ये देखिए, हम इसको ऐसे बर्तन में डाल देंगे। और बर्तन में डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसी ड्रम के पास वापस चले जाएंगे जिसमें हमने पानी उबलने रखा हुआ है। तो इस बाल्टी को हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये पूरी तरह से पानी की हीट से पिघल जाए। हम डायरेक्ट इसको आग के ऊपर नहीं रखेंगे, पानी के ऊपर रखेंगे। तो पूरा पिघलने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से फिर से कपड़ा लीजिए, बर्तन के ऊपर उस कपड़े को रख दीजिए, और इस पिघले हुए वैक्स को आपने इसके ऊपर डालना है छानने के लिए। क्योंकि जितने भी ये जो काले काले टुकड़े आपको दिखाई दे रहे, जितनी भी आपको गंदगी नीचे दिखाई दे रही है, ये फिर से यहाँ पे फिल्टर हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जो ये देखिए बिल्कुल प्योर वैक्स नीचे निकले, बिल्कुल ऑयल की तरह आपको इस टाइम लग रहा होगा, तो ये हमारा बिल्कुल प्योर वैक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे छोटे छोटे बर्तन हैं, इन बर्तन में हमने ये डाल देने हैं। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़े चाहिए बाद में वैक्स के, तो आपने इस तरह से छोटे छोटे बर्तन में डाल देने हैं। मैंने इस प्लेट में डाल दिया है, आप एक ही सिंगल बर्तन में रख सकते हैं जमने के लिए, ताकि जम के बिल्कुल जब ये पूरा सख्त हो जाता है, उसके बाद आप इसमें निकाल सकते हैं। जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंत में। तो ये देखिए, हमारे पास जो वैक्स है बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुका है, और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे, ये हमारा पी सेराना इंडिका का वैक्स है, जो हमारा देसी मधुमक्खियाँ रहती है यहाँ की, तो उसका वैक्स है। देखो कितना बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का ये वैक्स हो चुका है। अब हम इसको पूरा सख्त होने के बाद, जब ये पूरा जम जाए, उसके बाद निकाल देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए हमारे पास यहाँ पे टुकड़े निकल के सामने आ चुके हैं। तो इन वैक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फैक्ट्रियों में, ये लिप बाम बनाने के काम आता है, क्रीम्स बनाने के काम आता है, मॉइस्चराइज़र बनाने के काम आता है, इसे हम कैंडल भी बना सकते हैं। देखिए इसमें हम इस सैनिटाइज़र के बोतल के अंदर हम कैंडल बनाएंगे, और साथ ही साथ आपके बी कीपिंग के बहुत से काम है, जैसे अगर आप क्वीन कप बनाना चाहो रेयरिंग के लिए, वो कप इसी वैक्स के बनते हैं। अगर आप कोई फाउंडेशन शीट चिपकाना चाहो, तो फाउंडेशन शीट इसी से चिपकती है। तो ऐसे बहुत से काम में आपकी वो कैंडल काम आ जाएगी, और वैक्स भी आपका बहुत से अलग अलग यूसेज में काम आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने ये जो डोरी है नीचे से ऊपर को इसको डाल दिया है। आप कोई भी धागा डाल सकते हैं, जो अच्छे से ऐसे तेल के अंदर या मोमबत्ती के जैसे धागे होते हैं उसमें जले, तो ये देखिए हमने बिल्कुल नीचे से इसको
ऊपर को सीधा रख दिया, बीच में कील रख दिया ताकि बिल्कुल सीधा ऊपर को धागा टाइट रहे। फिर हमने क्या करना है, इस वैक्स को जो कि हमने अब फिर से गर्म करके इसको उबाल लिया है, नीचे पानी के हीट से गर्म होके ऑयल के जैसा बना है, तो इसको हम इस बोतल के अंदर डालेंगे। तो आप बहुत ही केयरफुली, बहुत प्यार से इसको इसके अंदर डालिए। जैसे ही ये जो हमारा सैनिटाइज की छोटी सी बोतल है ये लगभग भर जाए, पूरा फुल आप ना करिएगा, थोड़ा सा एक इंच कम ही रखिए इसको। तो जब ये भर जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जमने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना भर दिया है। फिर आप इसको अच्छे से टिका के रख दीजिए और इसको जमने का इंतज़ार कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो कैंडल है बिल्कुल जम चुकी है, बहुत ही टाइट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे बजा के हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा आप झटका दीजिए, अगर ये ना निकले तो आप नीचे बजा के इसको निकालने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपकी ये जो निकालने में अगर दिक्कत हो जाए तो आप कीजिए एक काम कि इस बोतल में अंदर से आप वैक्स डालने से पहले एक प्लास्टिक की एक लेयर लगा दीजिए, फिर ये बहुत ही जल्दी बाहर निकल जाती है। ऐसे क्या होता है कि कई बार थोड़ी दिक्कत हो जाती है निकालने में। तो ये देखिए हमारे पास ये कैंडल निकल चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल देखिए। तो ये एक प्योर ऑर्गेनिक बीवैक्स की कैंडल है जो आपके बहुत से काम आने वाली है। तो आप इस तरह की कैंडलें घर में बैठ के बना सकते हैं, अपनी प्योर ऑर्गेनिक जो कैंडल है, प्योर बीवैक्स की कैंडलें हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जो घर में आपके पास बेकार पुराने छते पड़े हुए होते हैं तो इस तरह से आप अपने लिए कुछ कैंडल्स बना सकते हैं, कुछ ऐसा वैक्स एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।